Thank you.
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। मुजरिम दो किस्म के होते हैं जनाब। एक वो जो गरीबी और हालात की वजह से मुजरिम बनते हैं जैसे कि हमारा धर्मा, और दूसरे वो जुर्म जिनका पेशा जिनकी फितरत है जैसे कि ये डॉक्टर डैन। सुना है आपने धर्मा जैसे कैदी की रिहाई के लिए सरकार से अपील की थी। जी हाँ, ये सच है। आज से 6 साल पहले एक कत्ल के जुर्म में धर्मा उम्र कैद काटने के लिए हमारी जेल में आया था। आप जानते हैं उसने ये कत्ल क्यों किया था? इसलिए कि धर्मा का छोटा भाई अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा था, जिस बीच ये हादसा हुआ। इंस्पेक्टर, मेरा भाई अस्पताल में बेहोश पड़ा है। ये खून की बोतलें उसके ऑपरेशन के लिए पहुंचानी है। मुझे जाने दीजिए, मेरा ट्रक बहुत पीछे खड़ा है। दूर खड़ा है तो आप भी दूर खड़े रहिए, जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर, इतनी मत बनिए, मैं आधे घंटे तक नहीं पहुंचा तो मेरा भाई मर जाएगा। देखो, हमें अपनी ड्यूटी करने दो, जब नंबर आ जाए तब आ जाना। जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर, इधर आओ, आओ मेरे साथ। जल्दी है क्या? जी हाँ, बहुत जल्दी है। 300 रुपए हैं जेब में? नहीं जी, मेरे पास तो 20-25 होंगे। अरे 20-25 से क्या होगा, क्या लाइन में खड़े हो जाओ। जाओ इंस्पेक्टर। अरे मैं क्या कहूं, लाइन में खड़े हो जाओ ना। इंस्पेक्टर, मेरा भाई मर जाएगा जी। अरे भाई मरता है तो मैं क्या करूं, जान निकल जाए। जाओ कमीने, ये खून मेरे भाई के लिए था, ये खून मेरे भाई की जिंदगी थी। कातिल है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आप इस जुर्म को क्या कहेंगे? कोशिश की मैंने और उमर कैद की जगह धर्मा ने 4 साल जेल में काटे। आज वो अपने गांव में एक अच्छे नागरिक की तरह इज्जत की जिंदगी बिता रहा है। डॉक्टर डैन जैसे मुजरिम के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी ताकत और अपनी दौलत के बल पर ये विदेशी हमारे मुल्क में अशांति फैलाना चाहते हैं। हजारों मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले ये उग्रवादी, इनको मुजरिम नहीं राक्षस कहना चाहिए। राक्षस, ऐसे राक्षसों को खत्म करना हर इंसान का, हर धर्म का पहला कर्तव्य है।
और हम इनको जवाब देंगे साहब, जोरदार जवाब देंगे। कमिश्नर गुप्ता हियर। सर, डॉक्टर डैंग को हमने पकड़ लिया। विश्व के जाने माने आतंकवादी नेता यानी लीडर ऑफ टेररिस्ट डॉक्टर माइकल डैंग, जो ब्लैक स्टार ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर डैंग को कड़ी निगरानी और पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत कल किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जाएगा। Everything under control. They are heading towards the destination. They are heading towards the destination. Over and out. मजा आएगा भाई। तुम्हारे वो जेलर राणा विश्व प्रताप सिंह कहाँ है? राणा, वेरी नाइस मीटिंग यू भाई, मजा आ गया। वाह, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। क्या किताबें लिखी तू? क्या नॉलेज है तुम्हें जुर्म के बारे में, मुजरिमों के बारे में? भाई वाह, वेरी नाइस राणा। ओह यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं बता रहा था तुम्हें राणा कि सेंट्रल जेल सीतापुर का नाम मैंने जर्मनी में सुना था। हाँ, मजा आएगा। मिस्टर राणा, अपनी 50 साल जिंदगी में मैंने पूरी दुनिया देख ली है और करीब करीब हर मुल्क की जेल में जा चुका हूं, पर थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए। ऐसी कोई जेल होगी जहां मैं एक हफ्ते ज्यादा रुका हूं, वरना एक दिन, दो दिन या ज्यादा ज्यादा 3 दिन एंड आउट। पर जिस किसी भी जेल में गया हूं, वहां के जेलर ने मेरी बड़ी इज्जत की है। सुबह से शाम तक मेरा ख्याल रखते थे। बट द बेस्ट जेल वाज ऑफ जर्मनी। जैसे कोई कैदी नहीं, मंत्री हो। मुझे सफाई और आराम बहुत पसंद है। आप एक काम करिएगा, एक नरम रुई के गद्दे वाला एक पलंग रखवा दीजिएगा और एक राइटिंग टेबल और हो सके तो एक टेलीफोन, लेकिन फूल जरूर भिजवाइएगा। यू सी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। थैंक यू। नो, ये कमरा तो बहुत छोटा है मिस्टर राणा। खैर, थोड़े दिनों की तो बात है, और मुझे क्या क्या चाहिए होगा मैं एक लिस्ट बनाकर भेज दूंगा। नहीं नहीं, ये पेंट बहुत खराब है, इस कमरे को पेंट करवा दीजिएगा मिस्टर राणा प्लीज। एंग्री ओल्ड मैन, मजा आएगा। रेड टावर कंट्रोल रूम, रेड टावर कंट्रोल रूम, डॉक्टर डैंग कौन सी जेल में है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। भारत के लोगों ने डॉक्टर डैंग को गिरफ्तार करके हमारे डीएसपी शांति प्रसाद सिन्हा, तुम्हें बतलाना होगा हमारा बॉस डॉक्टर डैंग इस वक्त हिंदुस्तान के कौन से जेल में है। मैं हरगिज नहीं बताऊंगा। सुनो, मेरा इस फोन पर सिर्फ गो कहने की देरी है, गो, और दिल्ली में तुम्हारा सारा खानदान एक ब्लास्ट में खत्म हो जाएगा। देश तो बच जाएगा। मार्टिन गेटमी 633। ये डीएसपी मिनिस्टर त्रिपाठी की सिक्योरिटी में था और डॉक्टर डैंग को पकड़वाने में त्रिपाठी का बहुत बड़ा हाथ था। अरे, त्रिपाठी जी आ गए। नमस्ते भाभी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, आप मंत्री क्या बन गए? हमारे तो घर का रास्ता ही भूल गए। ठीक कहती है भाभी, ये मंत्री का चोगा पहनने के लिए घर संसार से तो त्याग लेना ही पड़ता है। देखिए ना क्या जिंदगी है, घर से दिल्ली, दिल्ली से घर, घर से दिल्ली। अरे अरे, जीते रहो अनिल, जीते रहो, मुबारक हो, मुबारक हो बेटी। दादाजी, दादाजी, मंत्री दादा आए हैं। देखो बिटिया रानी, तुमने सुबह से दादाजी को कोई पपी वपी तो दी नहीं है, इसलिए दादाजी को ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा। सोमवार को मंगनी है, आपको याद है ना? बिल्कुल याद है भाभी,
लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। हाँ, शादी पे जरूर आऊंगा, ये वादा करता हूँ। शादी में क्यों भाई, किस लिए? तुम ऐसा करो, अनिल के जब बेटा होगा, वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उस वक्त आना तुम। देखा भाभी, आ गया जेल डंडा लेके। पापा, अगर चाचा नहीं आए तो हम भी अपनी मंगनी नहीं करेंगे। बेटे, ये गलती बिल्कुल न करना। अगर इस शख्स के भरोसे पर मैं रहता तो मेरी शादी भी आज तक न होती। बहुत अच्छा होता, भाभी दुआएं देती, तुम्हारी इस जेल की जिंदगी से तो बचती। इसकी बातों में ना आना बेटे, ये बातों का ही खाता है। कॉलेज में शुरू से ही मशहूर था कि त्रिपाठी इस भाषण ही भाषण और राणा इस एक्शन कर्म। इसलिए तुम कर्मचारी बन गए और मैं मंत्री। क्या मतलब इसका? ये कौन सी शर्त हुई? क्या मतलब? ये शर्त तुम हार गए राणा। मैंने कहा था ना, सरकार तुम्हारी एप्लीकेशन रद्द कर देगी, कर दी। कौन सी एप्लीकेशन? भाभी, इस पागल ने दो चार किताबें मुजरिमों के बारे में क्या लिख दी, इसके दिमाग में एक फितूर समा गया। इसने गवर्नमेंट को एक स्कीम बनाकर भेजी जिसमें कुछ खतरनाक मुजरिमों को ये रिहा करके उन्हें प्यार और मोहब्बत से सुधारना चाहता और फिर उन्हीं के साथ एक फौज बनाकर देश के तमाम शत्रुओं को और उग्रवादियों को खत्म कर देना चाहता है। अगर तुम्हारी सरकार ने मेरी बात नहीं मानी है तो इसमें हार तुम्हारी सरकार की है, मेरी नहीं। लेकिन सरकार ने तुम्हारी लिखी हुई किताब पर गोल्ड मेडल तो दिया ना। ये तो तुम्हारी सरकार की पुरानी आदत है, सहमत ना होते हुए भी गोल्ड मेडल दे देगी। लेकिन आपको मान तो दिया। वो तो दिया। चलो चलो, कुछ तो माना। आप भी मानेंगे क्या? अनिल की मंगनी में आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो मुझसे बुरा। पर भैया मेरी बात, भैया गए भाड़ में और आप गए जहन्नुम में। बात तय है। सर, सर। यस। कमिश्नर साहब का फोन। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। आता हूँ। चाचा जी, बाबूजी की तरफ से आप ही तो एक दोस्त थे, अगर आप भी ना आए तो हम सबको बहुत बुरा लगेगा। गुड मॉर्निंग राणा विश्व प्रताप, लुकिंग ग्रेट। राणा साहब, मैंने आपके पास एक विनती भेजी थी, मुझे एक सोफा, एक कुर्सी और एक राइटिंग टेबल। आपकी वो विनती रद्द कर दी गई है डॉक्टर डैंग। क्यों? इसलिए कि ये जेल है, कोई होटल नहीं है। दूसरे कैदियों से मोहब्बत और हमसे नफरत, इसकी वजह जेलर साहब? वो लोग हालात से मुजरिम बनते हैं और तुम उनमें से हो डॉक्टर डैंग, जो वो हालात पैदा करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम जैसे लोगों को ये जहर फैलाने के लिए सरकार जिंदा क्यों छोड़ देती है। कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा जेलर? मेरा मतलब कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अब 1 करोड़। मैंने हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं, तुम्हारे बच्चों के बारे में पूछा था जेलर। तुम्हारे लिए ये जनसंख्या है डॉक्टर डैंग, हमारे लिए बच्चे हैं, हमारे भारत के परिवार के बच्चे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा देशभक्त हो? हर सच्चे हिंदुस्तानी को देशभक्त होना चाहिए। दो दो पैसे में बिकता है तुम्हारा हर हिंदुस्तानी, दो दो पैसे में। तो मुझको खरीद के देख लो डॉक्टर डैंग, तुम भी यहां हो, मैं भी यहां हूं, खरीद के देख लो। मामा जी, जीते रहो, जीते रहो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। भैया भाभी भी आ गए, पापा को फोन करो कि जल्दी आ जाए। अच्छा माँ। ऑफिस ऑफिस, आज भी ऑफिस। हेलो पापा। पापा, मामा जी, मामी जी सब आ चुके हैं। आता हूँ बेटे, काम है अभी। पापा, माँ बहुत गुस्से में है। फोन दो माँ को। फोन। पापा, माँ फोन पे नहीं आती। फोन दो, मैं कहता हूँ। फोन। सुनो सुनो रुक्मिणी, तुम्हारी चूड़ियों की खनक बता रही है कि तुम नाराज हो। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। क्या कहा? जानबूझ के? मैं? अरे भाई, सीबीआई के अफसर आए हुए हैं दिल्ली से, रिपोर्ट तैयार करके देनी है उनको आज के आज ही। कितना टाइम लगेगा? यही कोई घंटा भर। रुक्मिणी, वो आ गए।
नमस्ते राणा साहब। क्यों राणा, हो जाए शर्त इसी पर? किस बात की? भरी महफिल में एक अफसर की पिटाई, वो आई लग गई, लग गई, लग गई। वो आई वो डैंग है ना, ओ, कितना परेशान कर दिया कमबख्त ने सारे जेल को। ये क्या है सब लोगों के साथ? बाबू जी ऊपर जाके जल्दी तैयार हो जाइए। ये लो रुक्मणी बहन, जरा दूसरे थाली ले। बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू, खाते पीते सोते उठते आई लव यू, फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, बार बार यही दोहराऊं आई लव यू। तीन बच्चों का बापू हूँ पर आई लव यू, दुनिया भर में अफसर हूँ पर आई लव यू, सब लोगों पे धक जमाऊं आई लव यू, डरते डरते घर पे आऊं आई लव यू, आई लव यू, शाम सवेरे तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊं रानी, यही गीत दोहराऊं, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए। कुछ नहीं हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ सनम तेरे दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए।
आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। जब तक जिंदा रहोगे राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। भूलना चाहिए भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। ख्याल रहे, ये सिर्फ एक हाथ था, बाकी तुम खुद काफी समझदार आदमी हो। जी, इसकी दो गोलियां हल्दी वाले दूध के साथ दे देना। बहुत अच्छे कुलदीप, कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो, अनिल की शादी में तुम्हें बहुत डांस करना है, नाचना है, गाना है। उसकी मंगनी में भी तुम ही रौनक थे, और उसकी शादी में क्या हुआ? देखता हूँ। नमस्कार। डैमिट, हटाओ ये, क्या ये? चूजा, शूट एवरी वन ऑफ दिस बास्टर्ड्स। रिलैक्स जॉली, रिलैक्स। इन्होंने तो हमारा एक संदेशा पहुंचाना है, एक मैसेज, राणा विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास। देवी जी, मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। उनसे कहिए कि ये रहे हम और ये रहे तुम।
और ये रहे तुम्हारी भारत माँ के बेटे। हो गया, बच्चे सब कहां हैं? सांस ले रहा है, तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत नहीं हारना है, चलते हैं हम लोग अस्पताल, वहां सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई पीछे हटो, चलो पीछे हटो, कॉल इमरजेंसी। अरे अरे अरे, टेररिस्ट लोगों ने मार दिया, टेररिस्ट लोगों ने मारा इसको। अरे अरे बेचारी का, बड़ा लड़का तो मर गया था, छोटा भी मर गया। अरे पीछे हटिए ना भाई,
आप लोग जहाँ खड़े खड़े भाती कर रहे हैं वो लोग तो गए अंदर। जी आप जाइए ना। रुक्मणी रुक्मणी। अरे अरे आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। राणा साहब घायल तो गए अंदर। राणा साहब हाँ? बोलने की शक्ति चली गई है। क्या इनकी बोलने की शक्ति चली गई है राणा साहब? शक्ति चली गई। कैदी को दवा देने गई थी, मैं भी साथ गया था। किस तरह के दो लोग? आप घबराइए मत, सोचिए। हाँ हाँ कोशिश कीजिए। चुप हो जा रुक्मणी। अरे इससे क्या पूछते हो, ये क्या बताएगी बेचारी? इसके तो जवान बेटे मर गए, कितना भरा पूरा परिवार था बेचारी का। त्रिपाठी साहब, वीरेंद्र बाबू राणा कहाँ है? वहां बैठे। राणा ये तुमने क्या किया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दुनिया को यह जताना चाहते हो कि एक डॉक्टर डैंग जैसे आदमी ने तुम्हारी हिम्मत पस्त कर दी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि अब इस डॉक्टर डैंग से युद्ध सिर्फ मैं लड़ूंगा। अकेले? अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मंत्रालय में 4 दिन से मेरी यही बातचीत चल रही। सरकार ने तुम्हारा इस्तीफा तो नामंजूर कर दिया, बहरहाल जो तुमने एक्सपेरिमेंट की अर्जी दी थी वो मंजूर कर ली। ये रही तुम्हारी गवर्नमेंट की मंजूरी। अब तुम अपनी मर्जी के 3 कैदी चुन सकते हो और बीएसओ डॉक्टर डैंग के खिलाफ जिस खुफिया मिशन पे जाना चाहो जा सकते हो। कैरियर में से तुमने 3 मुजरिम चुने, और तुम्हें मालूम है राणा इन तीनों को फांसी का हुक्म हुआ है? मालूम है मुझे। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों बेअक्ल, जज्बाती और छोटे किस्म के लोग हैं। ये अव्वल दर्जे के मुजरिम किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं। जी सर, क्या मैं इन 3 मुजरिमों से मिल सकता हूं? जी हां, यह है आपका पहला कैदी बैजू ठाकुर। हाई कोर्ट ने 4 आदमियों के कत्ल के जुर्म में इसे फांसी का हुक्म दिया है। इस वक्त ये नासिक जेल में है। देखो साहब, अब उन थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा है। अब उनको आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपके वतन में, ना वतन के दोस्तों में, ना वतन के दुश्मनों में। आप में क्या, मुझे तो अपने आप में दिलचस्पी नहीं है साहब। क्या आप अपन को जिंदगी देने आया क्या साहब? जिंदगी देने नहीं, तुमसे जिंदगी मांगने आया हूं। यानी मौत उधर भी और मौत इधर भी। यहां मरे तो जिल्लत की मौत मिलेगी तुम्हें, और अगर वहां मरे
तो शहीद कहलाओगे बैजू तुम, यानी मरना 100% है इचना साहब। नहीं, अगर बच के वापस आ गए तुम तो सारी दुनिया से मान मिलेगा तुम्हें। ये कुछ बात हुई। भागने का सही रास्ता है भड़ू। सही, बहुत सही रोशनी दिखाया साहब। चलें सर। नासिक जेल से एक कैदी चुनने के बाद राणा साहब हैदराबाद की जेल में गए हैं, और वो जिस कैदी से मिलने गए हैं वो खुद एक टेररिस्ट रह चुका है। सुना है पकड़े जाने से पहले बीएसओ वालों ने उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया उन्हें, मेरा हाथ आवाज बना दिया मुझे हरामियों ने। ये हाथ से बंदूक चलवाया मुझसे, किस किस पर? अंधा था मैं साला, अंधा था। भरोसा किया मैं उन पे। एक दिन बोले मेरे को खून करना है, हीना का खून। हीना का खून, मेरी माशुका का खून। पुलिस वाले की बहन थी उन्हें, मैं इनकार किया। तो उन्हें मार डाले हीना को, छीन लिया मेरा हाथ। Beat him! Rexon, वो साला डॉक्टर डैंग का चमचा, हरामी सुअर का पिल्ला, उसकी बोटिया नोच को चीरा को नहीं खिला दी तो नाम नहीं मेरा खैरू। लेकिन सरकार, आप जाओ, सरकार का और मेरा जोड़ी कभी नहीं जम सकता, सोचना इस बेकार है, जाओ। मुश्किल ये है खेरू कि तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते। आज 16 सितंबर है, खबर है मेरे को 21 सितंबर को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम इस दुनिया से चले जाओगे, उसी रात रेक्सन और डॉक्टर डैंग तुम्हारी मौत का जश्न मनाएंगे, और तुम, तुम्हारे इरादे इसी जेल की चारदीवारी में दफन होकर रह जाएंगे। वो बात दुरुस्त बोले आप, मैं साला दिल से सोचता हूं, दिमाग से नहीं। दिल वालों से मेरा हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। भरोसा करते हैं आप मुझ पे? उन लोगों ने तुम्हारे भरोसे का खून किया, तुम मेरे भरोसे का खून नहीं करोगे, ये मैं जानता हूं। ये तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। बचा सकते हो तुम मुझे? फांसी के फंदे से बचा सकते हो, लेकिन कैसे? अगर तुम राणा साहब की सब बातें मान लो तो। राणा साहब, राणा साहब, अरे राणा साहब, फिर तो आप मेरे भगवान, में आपका पुजारी, मेरे आका, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे सब कुछ, मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, मेरे सब कुछ, मुझे बचा लियो। मैं आपके जूतों की धूल की कसम खा रही हूं, मुझे बचा लियो। मैं सच कह रही हूं, मैं सच कह रही हूं राणा साहब। जिस दिन से जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महिला कपड़ा खूंटे से लटके है और मैं फांसी के तख्ते पर लटक रही हूं। ये सोच सोचकर मेरी गर्दन यूं लंबी होती जा रही है। मेरे दद्दू मुझे बचा लियो, मुझे मरने से बहुत डर लागे। पहली बार है ना, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों है बोलो ना, बत्ती जलाओ। पहले तुम पांव छोड़ो। छोड़ दिए, बत्ती जलाओ भगवान जाने। एक बात तुम अपने दिमाग के गिरह से बांध लो अच्छी तरह, और ये समझ लो कि ये जिंदगी जो अब हम तुम्हें दिलवा रहे हैं, इस पर तुम्हारा हक नहीं, हमारा हक होगा। आप ही का हक क्या मालिक? मैं ये समझूंगा कि मैं मर गया, डेड, बिल्कुल डेड। अब ये जिंदगी आपके इशारे पर नाचेगी। आप बोलेंगे उठ जाओ तो मैं उठ जाऊंगा, आप बोलेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, जो आप बोलेंगे वही करूंगा, कसम से। हमारे माथे पे क्यों? बकरा कटने से पहले उसके माथे पर टीका लगते देखा है? बस समझ जा बेटे।
अपनी बहन का ख्याल रखना ब्रेन। रुक्मिणी, मैं तुम्हारी एक चीज चुरा के साथ में ले जा रहा हूं। तुम तो नहीं होगी वहां, लेकिन तुम्हारी आवाज रहेगी मेरे साथ। कुछ भी बोलो राणा साहेब, क्या फेस बदला आपने? अरे साहब, ये पैंचो कौन बजा रहा है? मेरा छोटा बेटा अनिल। वाह, वैसे अपन भी बैंजो बहुत अच्छा बजा लेता साहब। जानता हूं मैं, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हारे लिए एक। क्या बात कर रहे हो साहब, जियो। अरे सुना तुम लोगों ने, दादा ठाकुर ने मेरे लिए बैंजो लाए हैं, बैंजो। दादा साहब ये धुन सुनाओ बजाकर। हाँ। अरे राणा साहब, दादा ठाकुर आप तो कह रहे थे कि हमको हजारों मील दूर जाना है, अरे क्या सारे रास्ते हमको ये बोरिंग भजन सुनना पड़ेंगे? अरे कोई फिल्म विल्म का गाना बजाओ ना। कई के पान बनारस वाला, कई के पान। ये भजन नहीं है जॉनी, ये हमारी पत्नी का लिखा हुआ एक गीत है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जेल में हम सब साथ मिलके गाया करते थे ये गीत। पाए मेरे घर भगवान आया, लेकिन इतनी भयानक खबर सुनकर ये आंसू नहीं रुकते साहब। इन आंसुओं को रोकना होगा धर्मा, ये आंसू एक राज रहेंगे जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ये राज मेरे सीने में रहेगा राणा साहब। राणा साहब नहीं, दादा ठाकुर। जी हाँ, दादा ठाकुर। ये भारत की सीमा है दादा ठाकुर। डॉक्टर डैंग के पकड़े जाने से पहले यहाँ बीएसओ के आदमियों और ट्रकों का आना जाना बहुत था, पर अब नहीं। ये सीमा की वो जगह है दादा ठाकुर, जहाँ से काफी विदेशी घुसपैठ हमारे देश में घुस आए हैं। दादा ठाकुर, कहते हैं कि सीमा के उस पार इन बीएसओ वालों ने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया हुआ है। डॉक्टर डैंग, आपके आने से हम सब बहुत खुश हैं। रैक्सन, तुमने अच्छी तरह से मालूम कर लिया ना? एनीवे, आई विल फिक्स हिम अप। डॉक्टर डैंग जी हां। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर डैंग, आप हैं श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, हमारा ग्रेट फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू लक्ष्मी नारायण। आप भारत सरकार के बहुत बड़े अफसर हैं और आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। हमने इनके अकाउंट में $50,000 जमा करा दिए हैं। किटम किटू, आपने इनको हमारे यहां ज्वाइन होने के उसूल बता दिए ना? हां जी, सब बता दिया। बीएसओ में शामिल होने से पहले हम लोग एक धार्मिक शपथ लेते हैं। वो रही शपथ लेने की जगह, और ये रहा नारियल। नारियल कहाँ है? ये नारियल लीजिए, वहां जाकर फोड़ दीजिए। यानी आपने शपथ ले ली और आप हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। जाइए फोड़ दीजिए। जी अच्छा। God is great. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रैक्सन कि तुम नेहायत ही बेवकूफ हो। क्या मतलब सर? ये आदमी हमसे मिलने नहीं, हमारी तबाही के लिए आया था। What? हिंदुस्तान की सीआईडी का आदमी था। My God. 1947 में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने मेरे बाप की हत्या कर दी थी, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ना एक दिन हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। एक साल में किट्टम किट्टू साहब, मैं हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। God is great. हम चाहते हैं कि उस टुकड़े की राजगद्दी पर आप जैसा पावरफुल आदमी बैठे। God is great, sir. इसके लिए आपके जैसे पावरफुल लीडर भी होना चाहिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है किट्टम किट्टू साहब, इसीलिए बीएसओ ने फैसला किया है कि हम आपके जंगलों में अपनी सुरंगें बनाएंगे, ताकि हमारा असला और बारूद आसानी से हिंदुस्तान पहुंचाया जा सके। माई गुड लक सर, मेरा जंगल आपका जंगल, बहुत शांतिप्रिय, नो प्रॉब्लम। Yeah.
जंगल कहां से पकड़ कर लाया? जा, ले जा चाय। मंदिर जा जाकर तब तक अपना सर फोड़ती रहेगी। घर के बर्तन कपड़े कौन धोएगा तेरा बाप? हाँ बस चाची, आज सोमवार की आखिरी पूजा थी, मैंने कर ली। हे भगवान, तू 16 सोमवार रात या 16 शुक्रवार, तुझे पति नहीं मिलने वाला। आपकी परेशानी देखकर ही तो मैं परेशान हो जाती हूँ चाची। कब तक सोच बनी रहूंगी आप पर? कल रात मेरे सपने में शिव जी आए थे। बस बस पटपटापट पटपटापट, जा घर जा और काम कर। मैं बाजार से साबुन खरीद कर आती हूँ, चल जा। आई बड़ी शिवजी वाली, शिवजी शिवजी शिवजी। गांव में काफी हरियाली है भिड़ो। यार तू छोकरी देखते हरा भरा क्यों हो जाता? यार मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मेरा घर भी हरा भरा हो। हाँ पूरी करेंगे दादा ठाकुर तेरी माँ की इच्छा। चल लेटते हैं। मुजरिम से सिपाही बनने के लिए अनुशासन, जंग के नियम, तौर तरीके सब सीखना बहुत जरूरी है उनके लिए। जी हाँ, कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मौत से इनके संघर्ष की वो ट्रेनिंग कल से शुरू होगी धर्म। सुना भाइये। सुन रहा हूँ। किसका सन? बुढ़ाऊ शहीद करवाएगा? बहुत भोला है बेचारा जेलर। कैसे? बहुत जल्दी भरोसा किया हम लोगों पर। क्या मतलब? मतलब जानी तो ये सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या 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 क्या? यहाँ से भागने का। एक बात पूछूं भाईजू? तो हरामी एक जैसा कैसा सोच लेते? मैं भी आइडिया लगा रहा था भागने की। कैसे? वो देख, वो मैं जब सर्कस में था ना तो जानवर जानवर खेलता था। चल खेलते। दादा ठाकुर वो दोनों सुबह से गायब हैं, लगता है भाग गए। अरे गोली मत चला बाबा, आ गया आवाज आ रही है। आलू आलू आलू। अरे सब टिकू ने कमा आदमी, गोली मत चला, मेरी माँ तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मत चला। अब देख निशाना मेरा। अबे जाने नहीं पड़ेगा मेरे को। अब बोल मेरे पानी पूरी, 25 बार तेरे को बोला गोली मत चला मत चला, फिर भी तू सुनती ही नहीं। अरे क्या तेरे में अक्कल नहीं क्या रे? हाँ तेरे को बताऊं मैं इस खाल के अंदर क्या है? अरे जाती का मेरी दूर मलाई, अपनी जान को देखते रह जा। अपुन जरा जानवर जानवर खेल रहा था हम। यू इडियट गुंडे बदमाश। मैम साहब गाली नहीं, अपना भी घूमे लायक क्या? दो कौड़ी के आदमी, जानते हो मैं कौन हूँ? एकदम बंडल बकवास और बदतमीज छोकरी हो। मैं इस जंगल के मालिक की बेटी हूँ। जंगल की मालिक की बेटी? अरे तुम तो जंगल की जंगली जानवर की जंगली छोकरी लगती हो। जानवर की लड़की के साथ जानवर जैसा सुलूक होना बहुत जरूरी होता है। बैजू ठाकुर नाम है मेरा, समझे ना? अबे गुरु अरे जल्दी कर, चल अरे चल ना, सारे लड़की देखती हरा हरा हो जाता। चल बैठ। अरे भाई बाबा। अरे भड़ू अफसरी के ड्रेस में भाग रहा है, किसी ने पकड़ लिया तो? अरे किसी का बाप भी नहीं पकड़ रहा। क्या बात कर रहा है भड़ू, चल तेरे भरोसे। बिंदास मैं संभाल के संभाल। आगे तेरा बाप उगरवा दिया। आगे भाग ले बच्चू, भाग ले। अरे
तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है और तुम्हारी मौत भी। चलो धर्म मरो आया ना साला, कैसा कैसा आइडिया लेके आता रहा दादा ठाकुर। बहुत शोर मचा रहे दादा ठाकुर, आ दूं? छोड़ दो खेरू, आ गए कमबख्त रास्ते पर। हाँ घर आ गए। ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए अंकल, जंगली है बिल्कुल जंगली। जंगली नहीं सर, वो हमारे जंगलों के अफसर बनकर आए हुए हैं, दिल्ली से। ऐसे दिल्ली से? माता बेटी तुम अपने ओपर वाले घर में जाओ। लेकिन अंकल अब वेलवान चपतला। सर वो ऊपर पहाड़ी पर रोज सुबह न जाने किस किस्म की ट्रेनिंग लेते हैं। गॉड इज ग्रेट। बाकी सब ठीक था। यही कमी है तुम में जाने, दिमाग का इस्तेमाल करो। दुश्मन से बात करने से पहले उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों का सही अंदाजा लगाओ, सोचो समझो फिर उस पर हमला करो। नाउ गेट बैक। सुना क्या कह रही है? क्या? सोचो समझो परखो। अरे तब तक तो दुश्मन गोली मार के चला जाएगा, बुड्ढा मर पाएगा। नमस्कार 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 नमस्कार। मेरे बैड लक है, मेरे बैड लक है। सरकारी ऑफिसर मेरे एरिया का आए हैं मगर हम उनको स्वागत ना कर सके। मेरे बैड लक है, मेरे बैड लक है। आई एम BMS किटम किट। सर आप इस जंगल के मालिक हैं, जैसे ही इन्हें पता लगा कि आप लोग नए नए आए हैं तो पैदल दौड़ कर चले आए। सरकार का सरकारी लोगों से बड़ा प्रेम है। नाइस टू मीट यू दादा ठाकुर। केटम किटू साहब बड़े धार्मिक आदमी हैं, सारा गांव इन्हें बहुत मानता है। ऐसा मत बोलना, गॉड इज ग्रेट। मी स्मॉल मैन, छोटा आदमी। सर एक दफा मेरे घर में आना। क्या बोले आप? मेरे घर में स्मॉल पार्टी, स्मॉल पार्टी। क्या है, अभी तो हम लोग आए हैं, अभी हमने अपना काम भी शुरू नहीं किया। ये जो नए ऑफिसर हैं अभी तो ये लोग ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग? व्हाट ट्रेनिंग सर? इस बॉर्डर के जो जंगल हैं उनमें कितने भयंकर जानवर हैं ये तो आपको मालूम होगा मिस्टर किटम किटू। वेरी डेंजरस, इसलिए मैं कहता हूं मेरे गेस्ट हाउस का हो। वेरी बिग हाउस, वेरी सेफ हाउस। वीलंद्रा वस्तारो तगनेर पड़ी जी। सरकार ने आप लोगों के लिए पूरा गेस्ट हाउस खोल देने को कहा है। मेरा छोटा सा घर भी तो आप ही का है किटम किटू साहब। गॉड इज ग्रेट। आपका घर मेरा घर, मेरा घर आपका घर। पार्टी जरूर आइए मेरे घर, पार्टी रखेंगे। नमस्कार नमस्कार। दादा ठाकुर ये लुंगी वाला मुझे कुछ हरामी दिख रही है। तुम एक काम करो जानी जी, इस शख्स का जो गेस्ट हाउस है ना उस पर नजर रखो, देखो कि वहां और अगर कुछ कौन गड़बड़ करे तो भिड़ जाऊं घुस जाऊं। जितना कह रहा हूं ना उतना ही करो। अरे ये तो एक सोने का हार है अंबिके, अगर कहीं तू तुलसी का हाथ सोमू के हाथ में दे दे तो राम कसम सोने से लाद दूंगा तुझे। हाँ सच, तुलसी को मनाने के लिए मुझे उसे कोई ख्वाब दिखाना पड़ेगा। क्या कह रही हो चाची? सच कह रही हूँ बेटी, कल रात शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे मेरे सपने में।
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा संक्रांत के दिन पारुल नदी के किनारे जो भी लड़का तुझे पहला मिलेगा ना वही तेरा पति होगा। सच? शिवजी ने कभी झूठ बोला है? नहीं नहीं, पर क्या, सजा धजा के डोली में पिठाऊंगी मेरी बेटी को। चाची गुरु हो ना हो जरूर इसमें स्मगलर लोगों का सोना जारी है। जाने पगड़े स्मगलर, दादा ठाकुर हैप्पी। आउट टू स्मगलर। ये क्या हो रहा? शिवजी की आज्ञा के अनुसार आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। पत्नी? जी। ये क्या ड्रामा है लौंडी? आज के दिन पारुल नदी के किनारे सबसे पहले मिलने वाला पुरुष वही मेरा पति होगा, यही लिखा है विधान में। चे तो मुझे विधानसभा पहुंचा के रहेगी। ये तो पांव भी पड़े। भाग ले, भाग जोनी। सुनिए जी, सुनिए। भाग ले, सुनिए। अरे निकल ले, निकल ले। तुलसी, ये हार, इस हार की हार मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये हार तो जीत के ही रहेगा। नहीं नहीं, ये हार तुम्हारे लिए नहीं है, उनके लिए है। अरे वो तो नकली है, असली तो ये है। तू बैठ, घर चल, तेरी चाची इंतजार कर रही है। चाची? हाँ, उठा पालकी। हमारी लुगाई होकर हमारी को ना कर रही। हाँ, अरे हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो तुम्हारा नखरा। हाँ समझ लो। अरे बाप रे, अरे कहाँ जा रही है? अरे नहीं तुलसी, नहीं। रुक रुक, स्टॉप। क्या हो रहा भाई? जो हो क्या रहा? जब ये लड़की नहीं मानती तो क्यों जबरदस्ती कर रही है? ये तो हमारी होने वाली लुगाई है। भला आप कौन है जनाब टोपी वाले? फूटिए आप यहाँ से। हाँ मैं। हाँ कौन हूँ? हाँ माय नेम जानी। मुझे मार रहा तू? मुझे मार रहा? मुझे मार रहा तू? मुझे मार रहा साले हरामी? मुझे मार रहा? नहीं जी, उनसे मत लड़िएगा, वो अच्छे लोग नहीं है। अब जा डोली में जाके बैठ। बजरंग बली, ओ बजरंग बली, अरे वाह जाने सब। अबे लल्लू प्रसाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? सैमसन जी, तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं। अरे अरे बैजू भाई, ये तो आदमी से बंदर होता जा रही है। अरे भाई फाइट करना है तो सीधी तरह से करना, ये सब शामिल। ये झुमरी तलैया का।
छोड़ना मत सारे गंजे को, छोड़ना मत। अरे राम जानो, निकालो बंदो, उड़ा दो इन सालों को। जाने नोट कर, बहुत माल मसाला इधर। अरे खिलू भाई, साले छोकरी की इज्जत पर हाथ मार रहे थे। कोने कोने में छुपे हैं चूहे साले। ये मेरा हाथ काय को टूटा खबर है तुम लोगों को? इसलिए कि मैंने ये हाथ से बहुत गोली चलाया, बहुत खून किया। अरे गोली तो ये बाद में भी खा लेंगे खेरू भाई, लेकिन इस मुसीबत का क्या करें? अरे ऐसे घर तो भेजो। भेज दो ना, भेज दो। अरे कहाँ भेजो, ये भाई लोग छोड़ के आएंगे अपनी बहन को करता। चलो ढोले उठाओ, चलो 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 घर छोड़ के आओ अपनी बहन को। चलो चलो डोली में। और जो लोग बोलते भी जाएंगे अपनी बहन को, माफ करो बहन जी, बहन जी। बच्चो बोलो, बच्चो माफ करो बहन जी। तो फिर क्या करते, उस लौंडी की इज्जत टूट जाने देते? अरे दादा कसम, दादा ठाकुर, पहली बार तो हम अच्छा काम कर रहे थे, हमें गालियां पड़ रही है। खून खराबा तो बहुत अच्छा काम है, करो और करो। अब वो लोग लाठियां और चाकू लेकर आ जाएंगे, जवाब देना। ओ, देंगे जवाब, आने दो हरामियां को, टुकड़े बन को जाएंगे वापस। खैरू, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो उसके लिए गांव के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। उनके सर्किट हाउस में लफड़े भी बहुत चल रहे हैं, इससे अपना काम और भी आसान हो जाएगा। 100% दादा ठाकुर, अपनी फूफी की कसम। मूर्ख है, दुश्मन का भेद जानने के लिए पहले उससे दोस्ती करना बहुत जरूरी है। अब इस बिगड़ी हुई बात को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम में से कोई एक किट्टम किट्टू के घर जाएगा और उससे माफी मांग के आएगा। हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो हम उससे। तुम नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे बैजू। मैं? और सुनो, सलीके से माफी मांगना। ए, कहाँ है साहब, अभी बाहर गया? अरे तो अकड़ के काय को बात कर रहे ला बे पिट्टू, आराम से बोलना। अपने वो किट्टम किट्टू साहब से बहुत जरूरी काम है क्या? अपने साहब को फालतू आदमी से बात करने का टाइम नहीं। अबे ढक्कन, फालतू आदमी बोलता क्या उनको? एक झापट मारूंगा तो नासिक जेल का फोटो छप जाएगा थोबड़े पे। अरे ये तो वही आदमी है जो भालू का नाटक कर रहा था। बोला साहब माफ करो। माफी का प्रोग्राम था उनका, समझा? जाता हूँ। चुप बैठे रहे। अब देख राधा का नाटक। कहिए किससे मिलना है आपको? तुम वही? वो समझ गई, आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। तो मैं राधा हूं, रीटा की जुड़वा बहन। रीटा? जी हाँ, वो रही रीटा। कई लोगों को अक्सर गलत फहमी हो जाती है। अरे साला, डबल रोल। अरे अपना तो खोपड़ी चक्कर खा गया, ऐसा तो बम्बई के फिल्मों में होता है। हाँ, सितार बहुत अच्छा बजाती हैं आप, और गाती भी बहुत अच्छा है।
अपुन की माँ बहुत अच्छा गाती थी और अपुन अपुन भी बैंजो बजाता है बुलबुल तरंग। हाँ बहुत खुशी की बात है। जी हाँ बहुत खुशी की बात है। चलो ठीक है। अरे हाँ जी वो आपके किट्टम किट्टू आई है ना आपके चचा आए तो कहना उनसे अपुन माफी मांगने आया था। जरूर जाता हूँ मैं। जी क्यों कर्मचारी क्या समझ के तुम जबरदस्ती अंदर गए थे? हाँ माफी मांगने आया था भाई। अपने पिताजी का घर समझ रखा है क्या आपने? पिताजी का नाम मत लेना नक्कट है। अरे कौन सोच रहे हैं तुम्हारे पिताजी? हाँ आइए अपन तो सिर्फ माफी मांगे। हाँ माफी ये माफी। यही तरीका है आपके माफी मांगने का? अपन तो माफी मांगने गया था साहब मगर वो हरामजादी कुत्ते लोग समझते नहीं थे। अब बरखुरदार मैं तुमसे माफी मांगू तो? इन लड़कों से ज्यादा अनुशासन पसंद और शांत कैदी मैंने नहीं देखे रुकनी। रात दिन तुम्हारा वतन वाला गीत गाते थे। मेरी चिंता न कर मंजिल दूर है नामुमकिन नहीं। हाँ सुना है जमींदार की पार्टी में अपने मंत्री महोदय आ रहे हैं। उस अकेले के पूरे को अभी से समझा दो रुक्मिणी। दादा ठाकुर से अनजान बना रहे कोई बात न करे। अरे भाई हम क्यों बात करेंगे हम तो सिर्फ देखेंगे। जॉली हेयर सुना है कि त्रिपाठी आ रहा है। डॉक्टर डैंग चाहते हैं कि हमारा वाला नारियल उसे जरूर भेंट में दे दिया जाए। ओके सर लेकिन आप कब आ रहे हैं सर? मैं पार्टी के अगले रोज आऊंगा। गुड लक सर। आप लोग किट्टम किट्टू की सभा में जा रहे हैं उन दोनों को भी साथ ले जाओ। कोई काम नहीं है ऐसे जहलों का वहाँ। बिल्कुल जहाँ जाते हैं फसाद खड़ा करके आ जाते हैं। ऐसे लोगों को साथ ले जाना अपने आप को बेआबरू कराना है मुनिया ताई। यहीं रखो इनको अपने पास। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे वहाँ। इन जाहिलों को कुछ तमीज सिखाओ पहले तुम फिर ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। हाय हाय ये देखो तमीज वाले बन ठन के निकले हैं छैला बनकर। काश हमारी माँ जिंदा होती। माँ अरे अभी तुम्हारी माँ जिंदा है आओ मेरे साथ। अगर वो खैरू को साहब बना सकते हैं तो मुनिया ताई तुम लोगों को लाड साहब बना सकती है। ये जॉली जग्गा की अलमारी है। कौन से इलाके का डाकू है? डाकू वाकू नहीं है धर्मा का भाई है। जब भी विदेश जाता है ना तो कपड़े लत्ते यहीं छोड़ के जाता है। कपड़े लत्ते इसका क्या करें बर्तन खरीदने क्या? मैं बताता हूँ। आज दिल्ली से विदुषम से बड़ा बड़ा लोग आया। धन्यवाद त्रिपाठी जी। God is great. त्रिपाठी जी दिस एरिया बहुत शांति प्रिय। पूछिए दादा ठाकुर से। देखिए हम तो सरकारी काम से आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं। धन्यवाद। गाँव का रिवाज लड़की स्वागत। राधा वेनकालेमेंटी प्रसादम। त्रिपाठी जी मेरी बेटी राधा ये हिमालय से सफेद साधु बाबा का प्रसाद अगर को ले जाना अपने देवस्थान पर रखना। बहुत अच्छा सुख शांति। फोन के चमचे नहीं आया अभी तक। हाउ डू मी जानी झांसी ब्रदर बजो बम्बई हिज थैंक द फनी नो फनी जानी जाने वेयर डू यू कम फ्रॉम या क्या बोल रही है? बोल रही है कि तो बड़ा सुंदर लग रहा है। थैंक यू दादा ठाकुर ने कहा है कि तुम दोनों यहां से फौरन रफू चक्कर हो जाओ। दादा ठाकुर से कहना कि हम लोग इसी कोने में रहेंगे जरा भी लफड़ा नहीं करेंगे। नो दारू नो मारामारी नो गाली। Come on, come on, come on, come on, come on.
दादाजी ये तो विस्की। मेरे बोला ना कुछ लोग ऐसे ही पीते हैं। बस। अरे इंडियन लव ये फ्लावर। जी जी आप हमारे मेहमान हैं, आपका स्वागत करने के लिए। नो शराब, नो बेड़ा, नो दारू। जी ये दारू नहीं ऑरेंज जूस है। जूस जूस तो हम बहुत पीते हैं। गुरु ये तो अपनी ऑरेंज जूस है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस। ऐसे ही जूस एक और। जी वो आपकी जुड़वा बहन दिखाई नहीं दे रही? वो नहीं आई, वो शिकार पर गई है। वहीं पर सही है। क्या फर्क है इन दोनों में भिड़ो। सामने वाले आदमी पे कैमरा लगाओ, फोटो खींचते जाओ। कहा ना बस चुप रहो और देखते जाओ। मैं कहां बोल रहा हूं, देख ही तो रहा हूं। सावन का मस्त महीना है, सावन का मस्त महीना है, क्या सागर है हटा कर बोतल पीने दे दारू दे दारू दे दारू ओ मेरे भैया दे दारू दे दारू दे दारू और मुंह से हटा कर बोतल पीने दे दारू। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू दे दारू बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। अरे होश रहे ना बाकी साकी दे दारू दे दारू ओ मेरे भैया दे दारू दे दारू दे दारू। बैजू भैया की जब दारू अंदर जाएगी, जब दारू अंदर जाएगी कल सब गड़बड़ हो जाएगी। के अंदर बाहर होने दो हमें, हंसने दो हमें, रोने दो हमें, हंसने दो हमें, रोने दो। सब भेद भरम भरम सब भेद भरम खुल जाएंगे, सब कांटे ते तुल जाएंगे। सब भेद भरम खुल जाएंगे, कांटे ते तुल जाएंगे। हम बुरे सही पर अच्छे हैं, क्योंकि हम दिल के सच्चे हैं। सच्चे हैं सच्चे हैं सच्चे हैं। अरे झूठ कहे तो जान हमारी ले दारू ले दारू ले दारू। हर बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू दे दारू ओ मेरे भैया दे दारू। जॉनी भैया की वन बेल टू बेल थ्री बेल फोर बेल फोर बेल थ्री बेल टू बेल वन बेल री बाबा बाबा बाबा। हम सोकर होश में आए हैं, हाँ अब हम जोश में आए हैं। पानी में आग मिलाई है, कुछ बात समझ में आई है। मस्ती अब हंस कर बोलेगी, अब
अब गोरी घूंघट खोलेगी, आयो अम्मा मस्ती अब हंसकर बोलेगी, अब गोरी घूंघट खोलेगी, दो हाथ किसी को पड़े नहीं, हम बड़े दिनों से लड़े नहीं, लड़े नहीं, लड़े नहीं, लड़े नहीं, अरे आज किसी को मारेंगे बिन ये दारू दे दारू दे दारू, अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू। साहेब ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए। सारे घर कुछ ऐसे यहाँ पर बंदे हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर बंदे हैं, मुँह गोरा मुँह गोरा मुँह गोरा काले धंधे हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर बंदे हैं, पैरों से सौदा करते हैं, अपनों से धोखा करते हैं, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, हम ऐसा सबक सिखाएंगे वो हमको भूल न पाएंगे, पाएंगे पाएंगे पाएंगे। अरे देता जा दारू पे दारू दे दारू दे दारू, अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू। अबे मैं तेरे को कह रहा था मत दारू पी मत दारू पी, अब ले मजा। माफी माफी माफी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या लेफ्ट राइट करिया, खुद तो दौड़ के बताए। अटेंशन, दादा ठाकुर देखिए कौन आया है, मेरा भाई, मैंने आपको बताया था ना जिसने यूरोप में बहुत बड़ी तरक्की की है, जग्गा जॉली। गुड मॉर्निंग सर, भाई साहब बता रहे थे कि आप हमारे डैडी के लाहौर में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त नहीं भाई थे बेटे, भाई। धर्मा जी, ये वही तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना जिसके लिए मैंने जेल काटी, वही है जिसके लिए मैंने जेल काटी थी। ओए पांव छू, पांव ला मैं पांव छू, तुम अपने राम जैसे बड़े भाई के जिसने तुम्हें जिंदगी दी। ये लोग कौन है? ये हमारे अफसर हैं बेटे, जो इन जंगलों का मुआयना करने आए।
तूफान की तरह आता है और हवा की तरह चला जाता है। सचिन जग्गा, थोड़े दिन और रुक जाता तो अच्छा होता। हाँ। बाबा जी, जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अनजाने और बेगाने आदमियों को घर में रखना अच्छा नहीं है। अरे वो बेगाने नहीं, अपने हैं। पापा जी, आप बहुत भोले हो। मैं भोला ही सही, पर वक्त बताएगा कौन अपना है कौन बेगाना। ये ले, पाए लगे जी। जीता रहे। चलो बे, जल्दी आना, खाना वक्त पर खा लेना। तेरे को कितनी बार कहा है तू चौकी पे मत आया कर। अरे छुटकी रो रही थी, बोली बाबा के पास जाऊंगी इसलिए मैं ले आई। जा बेटे घर जा, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, घर जल्दी आ जाऊंगा। जा बेटा। ये चौकी यहाँ कैसे? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही बनी है। वाह राणा वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। इससे ज्यादा बहादुर देशभक्त नौजवान मैंने नहीं देखे। देखो नेता के बच्चे, सुन लो, खबरदार जो वहाँ कोई लगाई बजाई करके मेरी बीवी को परेशान किया तो। अब तो भगवान ही मालिक है भाई सबका। मैंने कहा ना मुझे बीवी से बात करनी है। अरे भाई, मैं तो भाभी से तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। लो, तुमसे बात करने को बहुत उतावला हो रहा है। हेलो रुक्मिणी, हेलो। हाँ देखो, ये तो बिल्कुल निराशावादी आदमी है, इसकी बातों में ना आना, ऑल फॉल बकता है। तुम कैसी हो, सब कुशल है ना? हेलो, अरे कुछ तो बोलो रुक्मिणी। हेलो हेलो, हाँ समझ गए हम, समझ गए। अरे ये तो तुम्हारी चूड़ियों की खनक है, हम क्या तुम्हारी चूड़ियों की खनक नहीं पहचानते? हाँ हाँ, तुम पूछ रही हो कि हम कैसे हैं, यही पूछ रही हो ना? बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम अच्छे हैं। क्या कहा, फिर से बोलो। अरे तुमको तो आठों पहर याद करते हैं जाने मन, ये भी कोई पूछने की बात है? डू यू लव मी, इस उम्र में पूछे बीवी डू यू लव मी, बरसों से तो कहता आया आई लव यू, बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। तीन बच्चों का बापू हूँ पर नहीं। देखो देखो, तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, हमारा यहाँ पे क्या हाल होगा, हिम्मत टूट जाएगी हमारी। ये मत भूलो, देखो तुमने ही टीका लगा के हमको भेजा था यहाँ, ये भूलना नहीं तुम। हम जल्द ही आएंगे रुक्मिणी, और विजय होके आएंगे। राणा विश्व प्रताप इस्तीफा देने के बाद अपने बीवी और बच्चे को लेकर कहाँ निकल गया? अगर इसका पता चल जाए रैक्सन तो मजा आ जाए। लेकिन सर, अब की बार त्रिपाठी बच गया। Never mind, next time। ये कैदी यहाँ क्यों खड़े हैं? ये हमारे नए कैदी है सर, ये लोग यहाँ से सुरंग निकालने के काम से इनकार कर रहे हैं। Stupid boys। अरे बच्चों, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? देखो, तुम हिंदुस्तानी बच्चे हो, हिंदुस्तानी मजदूर हो, एक छोटी सी सुरंग निकालने में तुम लोगों का क्या बिगड़ जाएगा? और देखो, हमारे पास कैदियों के लिए खास उसूल है, काम करोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं करोगे तो गोली मिलेगी। रैक्सन लंदन से आने वाली पार्टी से कह दो कि शाम को उनको। उन्होंने हमारे बहुत सारे अफसर या तो पकड़ लिए हैं या मार दिए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अगर हमें लहरिया के जंगल में जाना है तो सबको मिलकर जाना चाहिए। अब देखो ना, बैजू कहां चला गया? वो तो आज सुबह से ही अपना टुनटुना बाजा लेकर कहीं निकल गया है। सुना टुनटुना टुन बैंजो, और दीजिए अपने लाडले को बैंजो। तुम्हारा दीवाना बाहर बैंजो बजा रहा है। क्या समझ रखा है आपने आपको? क्या मैं तुम्हारे को भिखारी लग रहा हूँ क्या? रास्ते में बाजा कौन बजाते हैं?
राजा महाराजा क्या? कमाल की लड़की है लोग, ये भी नहीं जानते कि भक्ति बाजा बजाकर भी होती है। नहीं शीला, भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। हाँ देखा तुमने, देखो तुम और एक है आप, धन्य हो। अरे हम कैसे मान ले ये भगवान के भक्त हैं? क्यों जी, कौन से भगवान को मानते हैं आप? भगवान ये राधा जी, आप कौन से भगवान को मानती हैं? अरे इनकी बात छोड़ो, ये तो राम जी को मानती हैं। अरे अपन भी तो राम जी का भक्त है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन रेखा, राधा जी के भगवान तो श्री कृष्ण थे। कृष्ण जी, कृष्ण जी, कृष्ण जी वाह। दरअसल राम बहुत ही सिंपल और भोले थे। वैसे कृष्ण जी, कृष्ण होशियार और प्रैक्टिकल थे। अगर अपन अपने अंदर झांक कर देखे ना, तो अपन का भी असली झुकाव श्री कृष्ण जी पर ज्यादा ही है। क्यों राधा जी? ये सब आपको झूठ कह रही है। दरअसल मैं संतोष माँ की पूजारन हूँ। संतोष माँ, सुपर हिट, 50 हफ्ते चली बंबई में, 21 बार तो अपन देख चुका है। उसके बाद ना जाने कितने शुक्रवार के व्रत रखे हैं मैंने। सच पूछे ना राधा जी, तो अब मैं संतोषी माँ का ही भक्त हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? जय संतोषी माँ। अरे अरे दादा ठाकुर, ओ दादा ठाकुर, ये देखो क्या हो रही है। हम यहाँ ड्यूटी निभा रहे हैं और ये साला बैजू बावरा बना हुआ है, बैंजो बजा के लौंडियों को राजपट्टी दे रही है, है? चल बैंजो आ जा। राधा जी आ गए मेरे, असल भगवान आ गए। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जॉनी झूठ बोल रहा है दादा ठाकुर, अपन तो चलो अंदर। क्यों कर लोमड़ी क्यों? अरे दादा ठाकुर, अगर ये लोमड़ियों के चक्कर में इधर उधर घूमता रहेगा ना, तो एक दिन हम लोग का भांडा फूट जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा हम लोग कौन है। धर्म भाई गाड़ी रोकिए, देखो चौकी चल रही है। ये क्या हुआ चौधरी? तेरे भाई के साथ सरकार उग्रवादी सीमा पार करके आए और चौकी को बम से उड़ा दिया। कुछ दिन आराम था, अब फिर बढ़ गया अत्याचार हम लोगों में दहशत फैलाने के लिए, ताकि हम उनके आने जाने की। आज चौकी जलाई है, कल अपना घर भी जला सकते हैं। बहुत देर लगी तेरे को समझने में। इनको कहते हैं उग्रवादी। इसका मतलब है कि अब हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। जरूरी काम अब यह है कि लड़के को ऊपर की पहाड़ी पे जाके बारी बारी पहरा दें और देखें कि वहां से कौन से लोग और कैसा सामान बस्ती में आता जाता है। जी हाँ, क्योंकि उनकी नजर कभी भी हम लोगों पर पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि हम भी तो सरकारी अफसर हैं, क्यों खीरू भाई? जी हाँ, आप तो बिल्कुल ही अफसर नजर आते हैं। जी हाँ, हम ड्यूटी बजाते हैं ड्यूटी, आपकी तरह बैंजो नहीं बजाते हैं। हाँ बेटे, देख तेरा कैसे बैंजो बजाता हूँ मैं। हाँ बजा बजा बजा। ये भाई, ये तुलसी भाई कैसे कहाँ है? किसको ढूंढ रहे थी? वो चाची को ढूंढ रही थी ना। चाची के चाचा? हाँ मालूम है, सब मालूम है। जानेश्वर प्रसाद हा? जंगलों में गए तीतरवार ने। वैसे वो तेरी तारीफ बहुत करता है। सच? हाँ मगर जानेश्वर तुझे अपनी पत्नी भी तो नहीं बना सकता। क्यों? बिल्कुल सही रो रहा था बेचारा, कह रहा था बैजू एक कुंवारे को पति बनने के लिए घर चाहिए, घर के लिए पैसे चाहिए, पैसे उसके पास आई नहीं। फिर? तो फिर क्या, अगर पैसे हो तो घर होगा, घर हो तो मोहब्बत होगी, मोहब्बत हो तो ब्याह होगा, पर क्या करे बेचारा। तो क्या, अब तुम ही सोचो, पैसे तो चाहिए, अगर पैसे बिना तो शादी नहीं करेगा। बेचारे जानेश्वर जी, कितने कष्ट में हैं आप, आपने मुझे बताया क्यों नहीं जी? छी, मैं भी कितनी बुद्धू हूं। यार मोहब्बत ये सब बेकार लोगों के खेले खेरो भाई। आशिक से बड़ा सुस्त जानवर मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा।
वाइन छोरा प्लीज। तेरे को क्या खबर है, इसका नशा जब चढ़ता है ना सातवां आसमान हिलता है। केरो भाई एक बात पूछूं, तू हीना से बहुत मोहब्बत करते थे ना? हाँ बहुत, अभी भी? बोलो ना केरो भाई, बताओ ना केरो भाई। याद तो बहुत आती होगी खेरू भाई, याद तो बहुत आती होगी। भूला तुम? क्या बताऊं खेरू भाई, अपनी कुंडली में प्यार मोहब्बत लव नाम की कोई चीज ही नहीं। होगी भी कैसे, तू मोहब्बत करना जानता भी तो नहीं है। खेरू भाई, खेरू भाई, क्या मैं तुम लोगों से मोहब्बत नहीं करता क्या? मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। मजबूरी बेटे, मजबूरी? हाँ मजबूरी है। साले तेरे बाप का खाता हूँ, हरामी की औलाद, क्या मैं तुम लोगों से मोहब्बत नहीं करता हूँ? दिल खोल के बताओ, देखो क्या बोल रहे हैं खेरू भाई। ए, देख कौन आया। अरे यार ये चकोरी मेरे पीछे क्यों पड़ी है यार? जाने भाई, उठो जाओ, भाभी आई है, माल भी लाई है। जाने, ये लड़की भली लगती मेरे को, इसको धोखा मत देना। खेरो भाई, आज दारू जो भी बोलेगी सच्ची बोलेगी। क्या देखो तुलसी, तुम मेरे को बहुत बदनाम कर रही हो। बदनाम तो आप मुझे कर रहे हैं। जब राम जी पर कष्ट आया था तो क्या सीता जी को उन्होंने अपना भागीदार नहीं बनाया था? मतलब आपको घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, मैं ये लाई हूं। ये कहां से लाई तू? मेरी स्वर्गवासी माँ ने मेरी शादी के लिए रखे थे। और तेरी चाची, जब उसको पता चलेगा ना तो वो तेरे को स्वर्गवासी बना देगी। मंजूर है, लेकिन आपका कष्ट। अरे कष्ट कष्ट, अरे कष्ट तू मेरा बढ़ा रही है। देखो तुलसी, मैं जो हूँ मैं नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत डेंजर आदमी हूँ, और मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। आउट यू गो, बैन यू गो। आई नॉट लव मी मैन। ऑर्डर ऑर्डर, जाओ कर जाओ। आप कहते तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये आप अरे क्या समझती है मेरे को कि मैं बेईमान हूं, फ्रॉड हूं, पैसे पे नजर है मेरी? अरे पैसा तो मैं ऐसा पैदा कर सकता हूं। जब राम जी पर कष्ट आया था तो क्या सीता जी को उन्होंने अपना भागीदार नहीं बनाया था? नींद नहीं आ रही है बफरदार, दूध पी के सो जाओ अब तो, सुबह फिर जंगलों के दौरे पे जाना है। प्रभु जी, उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उन्होंने अब तक मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया? मैं क्योंकि तुम बिल्कुल बुद्धू हो रानक, मैं वो चाची यहाँ। चाची घर पर नहीं है, कल शाम को मुझे वो ड्रिंक दारू सारी। वो मैं क्या कह रहा था तुलसी, मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं तुम्हारा यार ये प्यार के डायलॉग मैं बोल क्यों नहीं सकता? देखो ये चिट्ठी है, तुम पढ़ लेना, मैं चलता हूं। सुनिए तुलसी, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी, पर मेरी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। कौन जाने ये परदेसी लौट कर आएगा कि नहीं, अगर आ गया तो तुम्हारा, नहीं तो बाय बाय। ना ना जाइयो, ना 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 ना
गाई, ओ बाय बाय, ओ बाय बाय, ओ बाय बाय। ना जाइयो परदेसी माही वे, ना जाइयो परदेसी माही वे, ना जाइयो परदेसी, ना जाइयो परदेसी, मेरे दिल पे लगा कर दे माही वे, ना जाइयो परदेसी। नो 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 नो, सैड 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 सॉन्ग नहीं गाना, बैड 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 थिंग नहीं कहना, छोड़ के जाऊं मैं तुझको, that is not the case। माही वे ना जाइयो जाओ बेटी, और आप अंदर आइए। राम कसम दादा ठाकुर, मैं तो सीआईडी कर रहा था, आप ही कह रहे थे ना सीआईडी करो, तो सीआईडी के चक्कर में बहुत कुछ करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, वो लड़की को पटाना पड़ता है, उसके घर में घुसना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं करता हूं तो मरता हूं, नहीं करता हूं तो मरता हूं, मैं करूं तो क्या करूं दादा ठाकुर। लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपकी कसम खा रही हूं, पूरे यूपी में ऐसी लड़की नहीं मिल सकती। मैं सोचता हूं तेरी बात कर ही दूं। फादर,
गॉडफादर ये बात तो आप कर ही डालिए, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे क्या? कह दूंगा कि जहां से तुझको लाया था वहीं तुझको भेज रहा हूं, बस यही कह दूंगा। कहां से लाए हो? ये यहां से लाया था, भूल गए? अरे अरे दादा ठाकुर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो आपको तो मेरा वादा था कि आप तो मुझे जिंदगी देंगे, ये तो आप मुझे फिर मौत के कुएं भेज रहे हैं। मैं तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा था। कान खोल कर सुन लो जॉनी, अपने इस तरह के चक्कर और सीआईडी की हिमाकत फौरन बंद कर देंगे आप। न इससे हमारा कोई मकसद हल होता है और न ही मुझे ये बेहूदगी गवारा है किसी भी शर्त पर। लेकिन दादा ठाकुर, 3 दिन के अंदर केके के जंगलों में क्या क्या होता है और वहां के रास्ते कहां कहां जाते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट दोगे मुझे तुम? ये जंगल श्री किट्टम किट्टू की निजी संपत्ति है, यहां से आगे जाना सख्त मना है। मानो या ना मानो खेरू भाई, हमारे ताले की चाबी है साले किट्टम किट्टू के पास है। ओए हो, किट्टम किट्टू का नाम मतलब कमबख्त, राधा याद आ जाती है। ये काम हो सकता है? कैसे भड़ू? मेरे हरे भरे बच्चे, मैं उसी राधा की बात कर रही हूं। अरे तू राधा का किशन बन जा और किट्टम किट्टू हमारा संबंधी। क्यों घेरो भाई? यानी सुधरोगे नहीं तुम लोग? नहीं। हरानीस, मैंने कह दिया ना कि किट्टम किट्टू साहब आज बहुत बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकते। तो क्या हम उनकी भतीजी राधा से मिल सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि वो अभी शिकार से आई है और स्विमिंग पूल पे स्नान करने गई है। स्विमिंग पूल? यस। राधा? यस। शिकार से आई है? यस। राधा शिकार से आई है। देखिए लुंगी जी। हाँ कहिए। हम आपको राज की बात बताना चाह रही हैं और आप सुनना नहीं चाहते, तो आपकी मर्जी है। क्या? तुम जाओ मेरे कपड़े निकालो। राधा। ओ नमस्ते। आप शिकार पे गई थी? नहीं तो। ओ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं प्रभु की प्रार्थना कर रही थी। हाँ। रीटा कहाँ है? रीटा अंदर होगी। मैं आपके ख्यालात किट्टम किट्टू साहब तक पहुँचा दूंगा। मैं पर्दे के आगे आकर आपके साथ बात नहीं कर सकती। ये नंगी पुंगी कौन है? ये राधा है। तो रीटा कहाँ है? रीटा कौन? अरे राधा की जुड़वा बहन रीटा। राधा की कोई बहन नहीं है जी, किट्टम किट्टू साहब की एक ही भतीजी है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो मंदिर आओ। जी हाँ जरूर मिलेंगे, वहीं दर्शन करेंगे आपके। जरूर। वो जितना रीटा से नफरत करता है उतना ही राधा से प्यार। क्या बोलता मैं? अरे मैं कसम कह रहा हूँ तेरी है। कसम मत खा बे, सच बोल। अरे मैं सच कह रही हूँ, रीटा और राधा एक ही लड़की है जो डबल रोल करके बराबर तेरा नक्शा खींचे जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखना मेरी जान कैसा नक्शा बदलता हूँ उस छोकरी का। नमस्कार। नमस्कार। आपने मेरे नमस्कार का जवाब नमस्कार से दिया जी। थैंक यू वेरी मच। क्यों कुछ चाहिए मुझे? नमस्कार जी बिल्कुल नहीं, आज मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ और आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी मदद की? जी हाँ आप ही की मदद की। बोलिए। बात ऐसी है कि कल रात मैंने आपकी बहन राधा से जाकर उस मंदिर में शादी कर ली। शादी? कसम से। और वो ये कहकर गई है कि मैं सामान और कपड़े लेकर लौट आऊंगी, अभी तक नहीं आई। शीला, मुन्ना, सुना तुमने? ये जनाब कहते हैं कि उन्होंने मेरी बहन राधा से कल रात मंदिर में शादी कर ली। आप लोग हंस रहे हो, यहाँ मेरा सुहाग उजड़ गया और आप लोग हंस रहे हो, बंद करो ये रसलीला। ए मिस्टर, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, जरा ध्यान से सुनो। रीटा भी मैं हूँ, राधा भी मैं हूँ, ये नाटक
और कहीं करना। राधा और तुम तो राधा का आधा भी नहीं हो। कहाँ वो देवी, कहाँ ये भूतनी, कहाँ वो चांदनी, कहाँ ये अंधेरा, कहाँ वो नारी, कहाँ ये नर। मैं कहती हूँ जबान पर काबू रखो। काबू बाबू कुछ नहीं रहेगा। दुनिया वालों सुनो मेरी कहानी। पूछो उस पंडित से जिसने मेरी शादी कराई थी। पूछो उस घोड़े से जिस पर मैं बैठ कर आया था। पूछो वो मेरे दोस्त से जो कि कानूनी गवाह है कि राधा सिर्फ मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। और मुझे मेरी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मेरी पत्नी। तुम्हें इस तरह भरे बाजार में शोर मचाकर मेरी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं। अगर बदला ही लेना है तो किसी और तरह से लो। बेइज्जती तो तुम कर रही हो मेरे और मेरे राधा की प्रेम कहानी की। अरे भाई लोग, हम लोगों ने शादी की, सुहाग रात मनाई। सही जा रहे हैं आप। यहाँ तक कि हमने हमारे बेटे का नाम प्रेम कुमार ठाकुर रखा। तुम जरूरत से ज्यादा बकवास कर रहे हो। मैंने कहा ना, मैं ही वो लड़की हूँ जो तुम्हें राधा नजर आती है। तुम तो क्या मैं ख्वाब देख रहा था? तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, बिल्कुल पागल हो चुके हो। ऐसी बात है? हाँ। तो वो रहा शिव मंदिर। आओ मेरे साथ और खाओ कसम कि तुम ही राधा हो। चलो, मैं अपने भगवान शिव जी की कसम खाकर कहती हूँ कि राधा और रेठा एक ही लड़की है और वो लड़की मैं हूँ। तो यह कसम भी खाकर कहो कि जो लड़की राधा है वो मुझसे सख्त नफरत करती है। मतलब? मतलब ये कि तुम मुझे नहीं चाहती। बोले शंकर जी, आप ही बताइए कि कसम क्यों नहीं खा रही? यानी कि मुझसे यानी के मतलब ये है कि सरकार आप बाहर क्या गए? दादा ठाकुर के मुस्तंडों ने सारे गांव में उधम मचा रखा है। हम लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं। God is great। अब नहीं करेंगे। बस तुम्हें ये काम करना है। क्या सरकार? धर्मा हवेली की चिपकली बन जाए। उस दीवार पर खा नहीं, ये टेप रिकॉर्डर लगा और मुझे डेली बताओ कि वहां कौन सा खाना पक रहा है। जो हुकुम सरकार। ये अच्छा नहीं है बेजू, दादा ठाकुर बहुत भड़केंगे। तुम्हारी कसम खेरू भाई, बहुत अच्छी लड़की हो। तो धोखा न को दो उसको। पहले उसको बता दो कि तुम कौन हो, काय को आए हो इधर, फिर देखो कितनी मोहब्बत है उसको तुमसे। मेरे पिता कृष्णमूर्ति को उग्रवादियों ने इन्हीं जंगलों में मार डाला था। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त और सच्चे इंसान थे। राधा, मैं भी तुम्हें अपनी असली कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया हूँ राधा, साला अपनी को ये भी तो नहीं मालूम कि अपन तुम्हारे लिए जिंदा रहेगा अभी कि नहीं। तुम्हें मेरी कसम, मुझे कुछ नहीं सुनना। राधा इधर आओ। Come here। అలాంటి నీచు పేదలతో తిరుగుతున్నావా నువ్వు? ఎవరు కూతురువో తెలుసా? యూ బిగ్ బ్యాన్ డాక్టర్ అది కాదు నేను చెప్పి షట్ అప్ ఉస్కే పాస్ కయా దోనం కో గోలీ మార్ దోగా చలో అందర్ షట్ అప్ ఉస్ లడ్కీ కో భులానా హోగా బైజూ ఖబరే మిల్ చుకీ హై హమే ఇస్మే కోయి షక్ నహీ హై సాహబ్ ధోకా హై యే బైజూ సరాసర ధోకా ధోకా धोखा तो मेरी तकदीर ने मुझसे किया है साहब। खुद लिखी है तकदीर तुमने अपनी। याद रखो बैजू, जिस मंजिल तक हम जाना चाहते हैं अगर वहां पहुंचने से पहले कोई तूफान उठा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और उस वक्त तुम्हारे पास माफी मांगने का भी मौका नहीं होगा। साहब, देख मजाक न कर तू ऐसा, मैं नहीं तेरे सजना जैसा।
गोरी प्यार का सोना, बेच न गोरी प्यार का सोना, लेकर ये मिट्टी का खिलौना। या रब्बा या पापा, मैंने रब से तुझे मांग लिया, आ भर दे मेरी मांग पिया। मैंने रब से तुझे मांग लिया।
ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था साहब, मेरी एक बात मानो, उनको वापस भेज दो उस मोहब्बत की दुनिया में जहां वो जाना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं साहब। तुम्हारे साथी आशिक बनकर नहीं, सिपाही बनकर आए हैं यहां। साहब क्या है कि इश्क तो खुदा की देन है, मोहब्बत और जज्बात की लाश पे चल के हम कोई भी काम करेंगे वो खुदा को नागवार गुजरेगा। उनके कुछ वादे हैं मेरे साथ। वादा पूरा होएगा साहब, वादा पूरा होएगा। मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। खैरू का सर उड़ जाएगा लेकिन कसम खुदा की होठ से आ की आवाज नहीं निकलेंगी। उनको जिंदगी दे दो साहब, रिहा कर दो उनको। तुम शायद भूल गए हो खैरू, मैं अपनी कुर्सी सीतापुर छोड़ आया हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है और उस जिम्मेदारी में ऐसे छिछोरे जज्बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप ठीक उसी तरह ये बात कर रहे हैं जिस तरह कुर्सी पर बैठा हुआ एक नेता अपनी जिद और शान के लिए हजारों लोगों को जंग की आग में ढकेल देता है, उनको सिपाही का नाम देके और बाद में उस सिपाही की बेवा और अनाथ बच्चों के पास भेज देता है एक तसल्ली बख्श चिट्ठी और थोड़े से रुपए और एक मेडल। अपनी जहालत का यह बेमानी लेक्चर तुम अपने तक ही रखो, क्योंकि मुल्क का हर सिपाही जानता है कि उसके जिस्म पर वो खाकी वर्दी जो उसका मान है, वो वर्दी उसका कफन भी बन सकती है। ओ, ठीक कहा आपने। और अगर वो मौत के कफन से बाहर निकलना चाहे तो आप जैसे नेता उसको जिंदा ही दफन कर देना चाहते हैं। और जॉनी और बैजू तो सिपाही भी नहीं है आपके, कैदी हैं वो, सिर्फ कैदी, जिनको आपने जिंदगी की भीख दी है आपने, एक जेलर ने। और एक जेलर के लिए तो कैदियों की जिंदगी वैसी होती है जैसे कसाई खानों में भेड़ बकरियां की, जो हर रोज कटती हैं, मरती हैं, लेकिन जिनकी लाचार आंखों की तरफ कोई नहीं देखता। वो आंखें जो रोती हैं, चिल्लाती हैं, जीना चाहती हैं, लेकिन इन कैदियों को तो यहां पे भेड़ बकरियां भी नहीं, कुत्ते समझ के लाए हैं आप, शिकारी कुत्ते। सिर्फ इसलिए कि आपकी मेडल वाली पट्टी पर एक मेडल और लग जाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये कुत्ते आपके लिए आपके बीवी बच्चों का बदला ले सकते हैं। अब एक बात मेरी भी सुन लो, विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम, सिंह शेर को कहते हैं, और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ले सकता है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो मैं भुला सकता हूं खेरू,
लेकिन अपनी जेल के उन 380 कैदियों को नहीं भुला सकता जो मुझे अपनी औलाद की तरह ही अजीज थे और जिनको जेल की चार दीवारी में डीएसओ की गोलियों ने छिलनी करके रख दिया। मैं उनके लिए लड़ूंगा। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए उसे वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक देते। नहीं चाहिए। ओ, यही बोला था बीएसओ ने मेरे को, यही बोला था रेक्सन ने मेरे को, जज्बात को कुचल डालो, जज्बात को फेंक दो, हथियार उठाओ, हीना का खून कर डालो। अरे क्या फर्क हुआ आप में और उस रेक्सन में? हम तो कैदी है ना, कैदी च रहेंगे, हमेशा कैदी रहेंगे। हमको रिहाई नहीं मिल सकती, हमको कभी रिहाई नहीं मिल सकती। इंसान जब अंधा हो जाता है खेरू, तो उसको रात और दिन के फर्क में तमीज नहीं रहती। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब तुम्हारी आंखों पर से जहालत का पर्दा उठेगा और तुम उस फर्क को पहचान पाओगे। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए मुझे वो दिल फेंक आशिक माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक दे। नहीं चाहिए। जॉली, मुझे राणा के तीनों आदमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तू क्या सोचा? बगावत। और तू? वही जो तू सोचा। शाल लेको आया मैं आपके लिए। मुनियाताएं कह रही थी ठंड बढ़ती जा रही है और थोड़ा बुखार भी है आपको। मुनियाताएं से कहना कि कुछ नहीं हुआ मुझको, इतनी जल्दी नहीं मरता मैं। दादा ठाकुर घर न को चलते क्या? मुनियाताएं खाना परोस के रखी है आपके लिए। ये बेमायनी बातें करने से क्या फायदा खैर? कल रात को क्या है कि जज्बात में कुछ ज्यादा बक गया मैं। अगर हम सुनील अनिल होते तो क्या आप माफ नको करते हमको? दादा ठाकुर आप कर चलो, मैं ढूंढ के लाता हूं उन दोनों को। हे बैजू जाने। कोई फायदा नहीं साहब, पूरी रात शराब, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, अब तो ये 5 घंटे उठने वाले नहीं। Yeah.
मैंने सब देख लिया है जॉली। ये रिमोट कंट्रोल मुझे दे दो। जब देख ही लिया है तो ये भी समझ लो राणा साहब कि आप सबकी मौत कितनी नजदीक है। देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं बेटे। दुश्मनों की चाल, जिन बच्चों को अपने हाथों से पाला उनके हाथों में बंदूक दे दी उन्होंने, हमारे ही सीनों पर गोली चलाने के लिए। मुझे तुम नहीं राणा, तुम्हारे तीनों कैदी चाहिए। कैदी नहीं, वो तीनों मेरे बेटे हैं। मैंने कसम खाई है उन तीनों को मारने की। और मैंने कसम खाई है उन तीनों को बचाने की। तुम भी मारे जाओगे राणा। अपने ही बच्चों को उग्रवादी बनते देखकर किस माँ बाप की इच्छा होगी जिंदा रहने की। उठो सालों, उठो, दादा ठाकुर की जान खतरे में है, तुम लोग सुनो। मनोस ये हाथ, हराम के जनो, 20 के 20 एक आदमी पे गोली चलाते हो। क्या हुआ? दादा ठाकुर, दादा ठाकुर! रुक्मिणी, ठीक तो हो ना? कोई ख्वाब देखा है क्या? कुछ नहीं होगा राणा साहब को। राणा साहब के पास जाना चाहती हो? नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे भैया कानपुर से नहीं आ जाते मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी। He's sinking. That's oxygen. Doctor Saab, I'm sorry. मैं कह नहीं सकता वो जिंदा रहेंगे या नहीं। जिंदा नहीं रहेंगे? कैसे नहीं जिंदा रहेंगे? आप कैसे डॉक्टर हैं कि कह नहीं सकते जिंदा रहेंगे कि नहीं? जी वो। किस काम का ये अस्पताल? उतार फेंको अपना ये सफेद कोट, चला दो ये सारा अस्पताल। अगर एक मरीज को नहीं बचा सकते तुम, मरीज को यहां बचाने के लिए लाया जाता है उम्मीद छोड़ने के लिए। शांत रहो, जिंदा नहीं रहेंगे, देखता हूं कैसे जिंदा नहीं रहेंगे। शांत रहो, भगवान से दुआ मांगो, उन्हें जिंदा रहना होगा।
मेरा God is not great. Dada Thakur hosh, hum behosh. Very dangerous, sir. ठीक है डॉक्टर डैंग, मैं आपके पास खुद ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सिर्फ डॉक्टर डैंग का पता चाहिए हमें। बताता हूँ। ओफो, आप लोग दादा ठाकुर से नहीं मिल सकते। देखो, ये बड़ी दूर से आए हैं और दादा ठाकुर से मिलना बहुत जरूरी है। कहा ना, मेहमानों से मिलने का समय खत्म हो गया। ये मेहमान नहीं है, उनसे कहो गांव से उनकी बीवी और उनका बेटा मिलने आए हैं। आपको दादा ठाकुर से मिलना है? जी हाँ डॉक्टर साहब। आइए, मैं मिलवा देता हूँ। थैंक यू। आप यहीं ठहरिए। जाओ जाओ, मिल के आ जाना। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अंधेरा किस लिए है यहाँ डॉक्टर? जितना तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो, उतना ही मैं तुम्हें देखकर खुश हो रहा हूं राणा। क्यों, मजा आया ना? घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां मारने नहीं आया हूं। मुझे तो जिंदा रखना है तुम्हें बहुत देर तक, तब तक जब तक तुम्हारा हर इरादा, हर घमंड अपने आप दफन नहीं हो जाता, तब तक जब तक तुम्हारा तिरंगा झंडा, जिस पर गर्व है तुम्हें, अपने आप थोड़ा नीचे नहीं उतर जाता। तुमने शायद इस तिरंगे झंडे को गज भर का कपड़ा समझ रखा है डॉक्टर डैंग। लाखों शहीदों के खून से बना है ये, करोड़ों हिंदुस्तानियों का मस्तक है ये। छूने की कोशिश करोगे तो जलाकर राख कर दिए जाओगे। राख? राख तो मैंने दिखाई है तुम्हें राणा, उस शमशान घाट पर। राख तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे कैदियों की, तुम्हारे अफसरों की। इतनी जल्दी भूल गए वो नजारा, वो चिता, वो राख? डॉक्टर टैंग, वो राख जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, वो राख इस वक्त तक बारूद बन चुकी है। बारूद यानी तुम्हारे वो तीन कैदी जो तुम मुझे खत्म करने के लिए लाए हो,
वो तीन बंदर तो इस वक्त मेरे ही कैंप की तरफ जा रहे हैं राणा, मेरे ही बारूद में जलने के लिए। यानी वो रावण की लंका तक पहुंच गए? जी हाँ, और साथ में सीता माता को भी ले जा रहे हैं उस लंका में। देखना चाहते हो कौन सी सीता माता को? दिखाओ भी इन्हें सीता माता। भाई मारना नहीं उस स्टफिट, 25 बार कह चुका हूं कि जिंदा रहेगा रोने के लिए, अपने हर बच्चे हर कैदी के लिए जलाने के लिए, तिल तिल मरने के लिए। इसे थप्पड़ की गूंज गूंज याद दिलानी है मुझे, थप्पड़ की गूंज हर बार हर मुलाकात में, और हमारी मुलाकात होगी, कई बार होगी। यस सर, किटम किटू सर, ये लगते हैं उससे बोल रहा हूं, जीप जल्दी भेजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। What's happened? Happening, happening, हाथ ऊपर पैर नीचे करके अपने अड्डे पर ले चलो। Oh, no God. दादा ठाकुर कहते हैं पहले सोचो समझो परखो, यानी कि दुश्मन के घर जाओ। चलिए बड़े भाई घर तो दिखाइए। चलो चलो। जनेश्वर जी मैं आ गई। अरे तू, अरे छेरू भाई ये चकोरी तो हमें मरवा के रहेगी। अरे जा भावरी जा यहाँ से। तुलसी यहाँ। हर ऑफिसर्स को सावधान किया जाता है कि दुश्मनों के खुफिया लोग अंदर आने की पूरी कोशिश करें। Okay. इसलिए सब ऑफिसर से ताकीद है कि वो अपना आईडेंटिटी कार्ड मांगने पर दिखाएं। Attention please towards all the corners. We are expecting some outsiders to be in. Everything okay? Okay sir. चलो। इन्हें मरे तो आधा घंटा हो गया। What? तो इस अंदर खोल लाया। जय हिंद। जय हिंद। सबका आना जाना बंद। क्या वो अंदर आ चुके हैं रे? नो सर, हमारा टीवी सेक्शन के अंदर तो कोई नहीं आया है, सब अपना ही आदमी है। कह दे उनको सेक्शन लगाओ जल्दी से। ओके सर। ध्यान से देखो, हिंदुस्तानी फौजें अंदर आ चुकी हैं। क्या? जय हिंद। लैंडिंग, डॉक्टर डैंग लैंडिंग है, लैंडिंग विद हेलीकॉप्टर। यूनिट नंबर 7 ऑफिसर्स डॉक्टर डैंग के स्वागत में खड़े होंगे। यूनिट 3 ऑफिसर्स डॉक्टर डैंग के साथ सिक्योरिटी गार्ड बनकर जाएंगे। 12 नंबर 37 यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ये रेड टावर जिसमें इतना बारूद भरा हुआ है।
कि बीएसओ वाले 16 दिन तक लगातार लड़ सकते हैं अगर ये बिल्डिंग खत्म, बीएसओ खत्म। ओह हेल, व्हाट इज इट? आप इतनी बियर क्यों पी लेते हैं कि आप गिर जाते हैं? यू शट अप। क्या हुआ? यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। मैंने रेड टावर डिवीजन नंबर 2 में खबर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सुरंग का काम चल रहा है इसलिए बिजली अक्सर चली जाती है। माय गॉड, ये कोहिनूर का हीरा कहाँ छुपा के रखा था तुमने? बेवकूफ लोग हैं ये, गधे हैं जिन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ा है। ये खूबसूरत जिस्म तो सोने के आभूषणों से लदा होना चाहिए। ये हुस्न, ये शबाब, ये बेरहमी, तौबा। ऑफिसर, इनकी जंजीरें खोल दो और इन्हें हमारे आलीशान बेडरूम में ले आओ। साले के सीने में गोली मत चलाओ। इसके 2 साथियों को भी ढूंढना है हमें। पुकारो, अपने साथियों को पुकारो। पुकारो? हाँ पुकारो। साथियों, मैं हिंदुस्तान का एक गरीब बेटा, एक कैदी हूं जिसने शपथ अपने दादा ठाकुर की ली है कि वो इस गलीज शैतान का सर काट कर अपने सरजमीं पर ले जाएगा। और आज उस शपथ के नाम पर मेरे खून का एक कतरा मर्द दम तक यही आवाज देगा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो, नहीं खैरो भाई, नहीं। ओ, खैरुद्दीन किश्ती। हाँ, खैरुद्दीन किश्ती। रैक्सन, ऐसा 5 तक गिनो, ज्यादा इंतजार नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
गद्दारी करना, मैं तो खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले कर लिया था। अरे भाई साहब, मैं तो बहुत ही छोटा सा घटिया सा आदमी हूँ, ये साले हराम के जने मुझे बहका कर लिया ले। जॉली, अरे फाड़ में गया जॉली, और फाड़ में गया तू, कह रिया था सिपाही सिपाही खेलते, अरे मुझे नहीं बनना सिपाही, ये रही आपकी टोपी, ये रही आपकी वर्दी, अरे मैं कसम खा रही हूँ टैंक साहब, कसम खा रही हूँ, कसम है आपकी माँ की, आपकी बहन की, मैं झूठी बोल रही हूँ, मुझे अपने गांव भेज दीजिए, मैं बहुत खुश था, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे अपने गांव भेज दीजिए, इन्हें मार दीजिए सरकार, मगर मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ो मेरा पाँव। अरे मैं पाँव नहीं छोड़ूंगा, मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे मरने से बहुत डर लगे सरकार। लीव मी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहन, मेरी माँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सरकार। काले काले कौवे की औलाद, तख लू साला। अरे तनेक हुकुम तो दीजिए सरकार की, ये लोग बंदूकें फेंक दे। फेंक दो बंदूकें, फेंक दो, फेंको और चलिए, हाथ ऊपर टांग नीचे, चलिए नेताजी। अरे अरे ये तो साला तख्ता ही पलट गया। वाह जनेश्वर प्रसाद वाह, आज तेरी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती के बेटे, आज तू क्या कर गया। हाँ तो भाइयों, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा आप लोग कहेंगे। डॉक्टर डैंग मुर्दाबाद। मेहरबान, आपके कुछ चाहने वाले हमारे मेहमान हैं, पहले इनसे मिल लीजिए। गौर से देखिए, इनके हाथ में बम स्टिक है और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, और आप सब लोगों के हाथ में फुल कंट्रोल है। आप चाहें तो इन्हें मरवा दें और आप चाहें तो इन्हें बचा लें। अब वक्त की चतुराई यही कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। Come on, be a nice boy. हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे। नहीं धर्मा, ये जंग मेरी है, तुम इसमें नहीं जाओगे, तुम्हारा काम खत्म हुआ। दादा ठाकुर, जिस घर में जग्गा जैसा गद्दार पैदा हो, उस घर का काम कभी खत्म नहीं हो सकता, वो घर ही खत्म हो जाता है। मेरा काम तो अब शुरू होगा। दादा ठाकुर, दादा ठाकुर, खैरू भैया ने ये चिट्ठी आपको। खैरू ने? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, लड़की को फेंक रहे हो, बेवकूफ, स्टूपिड, आउट। देखो राधा, उनको मोहब्बत है वतन से, तुमको मोहब्बत है उनसे, और मुझको मोहब्बत है तुमसे। पहली नजर में हो जाता है। क्या है कि हिंदुस्तानी लड़की हमेशा से मेरी कमजोरी रही है, मुझे कुछ हो जाता है, छोड़ दूंगा उनको, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस एक बार, एक बार रानी बन जाओ मेरी, मजा आएगा। ओके, कॉस्ट्यूम्स। ए लड़की, तू इधर क्या कर रही है? जी जी, मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। गांव वालों का कहना है कि आप लोगों ने उन्हें कैदी बना के रखा है। मगर तुम बॉर्डर पार कर कैसे आई यहाँ पर? जी जी, वो बस वाले भैया है ना, वो मुझे लेके आए हैं। Boys, alert, come on! अंदर जो कोई भी है बाहर निकलो। दादा ठाकुर, इस हद से अब लौट जाओ तुलसी, जल्दी जाओ। दादा ठाकुर, जय हिंद। Thank you.
शोला हूँ मैं, तू बिजली हूँ मैं, आग रख कर हथेली पे निकली हूँ मैं, आग रख कर हथेली पे निकली हूँ मैं, दुश्मनों के हर एक आशियां तेरी, दुश्मनों के हर एक आशियां तेरी, जान भूल उसकी लाश कैदियों के कंपाउंड में पड़ी है। ओके, आई एम कमिंग। बास्टर्ड सरदार हट छोकरे भेज इधर हरामजादे कमीने भाग जाओ बहन वाहे गुरु यहां बारूद जल्दी भेजो चल यही है वो रेड टावर जिसमें बीएसओ की 90% शक्ति छुपी है तुमसे किसने कहा ज्ञान सिंह ने अगर 15 मिनट में ये बिल्डिंग नहीं उड़ा दी गई तो हम सब अगर इसे उड़ा दी जाए तो डैंग की लंका उड़ सकती है लेकिन ये बिल्डिंग उड़ाएंगे कैसे
एक तरीका है। हम बारूद के ट्रक भेज रहे हैं सर। ये सब क्या है? कम ऑन, लेट्स सी हु इज दिस। देखो ये सब कौन है। हमारा ट्रक वापस क्यों आ रहा है? हमारे ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? उस साले रेड टावर को उड़ाने। क्या खेरू भाई? अरे खेरू भाई, ट्रक में तो बारूद है, उस बिल्डिंग के साथ तो हम भी उड़ जाएंगे। तुम नहीं, सिर्फ मैं। नहीं नहीं खेरू भाई, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। कोई दूसरी तरकीब नहीं है, तुम दोनों उधर जाओ। नहीं खेरू भाई, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हारे साथ। ऐसी बातें मत करो, माँ दीपक सबको बचाना है। लेकिन तुम्हारी जान खेरू भाई। मेरी जान की परवाह मत करो। कोई नहीं है आगे पीछे मेरे। चानेश्वर मेरे दोस्त, तुम लोगों को अपने घर बसाने हैं, अपना वादा पूरा करना है। मेरा वादा तो यही तक था। खेरू भाई का काम हम करेंगे, छोड़ेंगे ना इन सालों को। किसी की कसम नहीं, तुम्हारे प्यार की कसम। डॉक्टर डैंग की नगरी को मिट्टी बना के जाएंगे, हम मिट्टी बना के जाएंगे। यू बास्टर्ड, तुम फौरन रेड टावर को अलर्ट कर दो और मुझे बताओ कि मेरा हवाई जहाज कब आ रहा है। 15 मिनट में सर। डॉक्टर डैंग ने कभी हार नहीं मानी। नो नेवर। सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट में सब कुछ राख हो जाएगा, एवरीथिंग। सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्ते कैदियों पर बरसाया। ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के मातम की। ये गूंज है उस भारत की ढैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग। क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा?
तो मुट्ठी भर चंडाल। तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे? तुम ये समझते हो? तुम मुमकिन है? नामुमकिन। जब जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे, इस देश का ये तिरंगा। भाई साहब, गोली मत चलाना जानी, मारना मत इसे। गोली न मरवाकर बहुत अकलमंदी का काम किया राणा, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बीवी है और एक बच्चा है जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। क्या? जो 4-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे मेरे टाइम बॉम्ब से। होश में आओ राणा, बहादुर योद्धा हो, अकलमंदी से काम लो। जाओ नीचे जहां वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इकलौता बेटा। जाओगे नहीं? जाओ। माजी! माजी का कुछ पता चला? कहीं कुछ पता नहीं चला बैजू। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। तुमने साबित कर दिया कि कर्मों से ही इंसान बड़ा बनता है। क्या मुजरिम और क्या सिपाही, सब के सब मोहब्बत मांगते हैं त्रिपाठी, मोहब्बत। तो दीन की मोहब्बत तुमने? अरे नई जिंदगी मिली है दोनों को, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, सारा जहान वहां है। क्या मतलब दादा ठाकुर, कहां जाएंगे हम? सुन रहे हो मां जी, जब हम भागना चाह रहे थे तो हमें घर में बंद कर देते थे, फिर दूध भी पिलाते थे और डांटते भी थे, और जब हम घर में रहना चाहते हैं तो कहते हैं कि चले जाओ यहां से, सारा जहां पड़ा है।
यह नाइंसाफी है राणा साहब। आपने हमें नई जिंदगी दी है पर मोहब्बत भी तो दी है। कसम खाकर कहिए कि आपने हमें सुनी ललिन कभी नहीं समझा। इधर आओ। दिख रही हो रुक्मिणी कितने चंट हैं ये दोनों। चलो कहा खैरों ने जो ख्वाब तुम लोगों के लिए देखा था वो अब हम पूरा करेंगे।